Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रभु परमेश्वर की स्तुति के लिए आज हम गीत गाएंगे, मेरे मसीहा पे स्तुति हो, हम तो सन्ना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। थैंक यू जीसस।
आज आप अपना दशमांश प्रभु के लिए देना,
सिर्फ पैसे का दशमांश नहीं, लेकिन अपने समय का दशमांश, सिर्फ समय का दशमांश नहीं लेकिन अपना पहलौठा प्रभु को देना, प्रभु की सेवा के लिए देना, यह बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु परमेश्वर की डिमांड जो थी पुराने नियम में वो बहुत महंगी थी। आप वो कहता था कि क्या करना मेरे लिए, भेड़ बकरियों गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि उस पर चढ़ाना। बाप रे, भेड़ बकरियां गाय बैल, आज एक गाय खरीदने जाए तो कितने की मिलेगी, बैल खरीदने जाए तो कितने का मिलेगा, है बाप रे, बहुत महंगा मिले, 50-50, 60-60 हजार बल्कि उससे ज्यादा, कुछ कुछ तो यूट्यूब में देखते करोड़ों रुपए के जो है गाय बैल भैंस जो है हम देखते कि आते हैं। भेड़ बकरियां चढ़ाना, अभी मटन कोई जो खाते हैं उनके लिए पूछ रहा हूं, जो एक मटन खाते हैं तो उनको एक किलो कितने का मिल रहा है, 650 से बढ़कर, अगर अच्छे दुकान से अगर हमने खरीदेंगे तो 650-700 रुपए किलो है। और वो प्रभु कहता है पूरी भेड़ बकरियां, कह गया भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियों के होम बलि मेल बलि ये सब चढ़ाने के लिए प्रभु कहते थे। तो आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बस प्रभु की आराधना करने, अभी नए नियम की आराधना जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सस्ती है, सिर्फ दशमांश दो और बस खत्म। लेकिन कुछ लोगों को दशमांश देना भी बड़ा मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को अपना समय भी देना बड़ा मुश्किल लगता है प्रभु के लिए, कैसे जाएंगे स्वर्ग में पता नहीं। तो यहां पे पहली बार हम देखते हैं आज जो है मेरे लिए एक मिट्टी की वेदी बनाना, और जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा। तो प्रभु परमेश्वर चाहता है कि नित्य विधि से प्रभु को कुछ चढ़ाना है, हमको प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाना है, ये परमेश्वर की अपेक्षा है हर एक मनुष्य जाति से, हर एक मनुष्य मात्र से, हर एक व्यक्ति के द्वारा। दूसरी बात, अब हम आते हैं नए नियम में, इब्रानियों उसका 13:15 लिखा, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए नित्य चढ़ाया करो। नित्य चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, स्तुति रूपी बलिदान, होठों का फल। भाई प्रभु परमेश्वर जो है वो चमत्कार करता है, प्रभु परमेश्वर जो है वो चमत्कार करता है, और प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए धन्यवाद की भेंटे चढ़ाए और प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें और प्रभु का धन्यवाद करें। जो है पास्टर अब्राहम जब सेवकाई के लिए जा रहे थे और रविवार की आराधना सभा में, तो वहां पे उनकी गाड़ी पंचर हो गई, और गाड़ी पंचर जब हो गई तो बड़ी मुश्किल, गाड़ी जब पंचर होती तब, जब आप प्रभु की सेवा के लिए जा रहे हो, चर्च के लिए जा रहे हो और गाड़ी पंचर हो जाए, बड़ा दुख लगता है, वो बड़े दुखी थे, और क्या करूँ क्या ना करूँ कैसे करूँ क्या होगा कैसे होगा, आराधना सभा में जा पाऊंगा क्या नहीं जा पाऊंगा। तो खैर वो जा पाए और आराधना सभा ले भी पाए, लेकिन जब वो जा रहे थे उतने में उनके दोस्त का एक फोन आता है, प्रभु का दास है वो भी, और कह रहे कि हाँ आराधना सभा में जा रहे हो ना, और गाड़ी पंचर हो गई आपकी, हाँ कोई बात नहीं, स्तुति करो प्रभु की, स्तुति करो। उर्ड गाड़ी जो कोई देख तो नहीं रहा, यहाँ से कहाँ पे कौन बोल रहा है, उन्होंने नहीं मैं केरला से बोल रहा हूँ, और उनका दोस्त बोल रहा था, मैं आराधना सभा ले रहा था और प्रभु ने मुझे कहा कि जा मेरा दास पास्टर अब्राहम चर्च के लिए जा रहा है, उनकी गाड़ी पंचर हो गई, उनके लिए उनको बता कि प्रभु की स्तुति कर, कोई बात नहीं प्रभु ठीक करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब हम प्रभु की सेवा के लिए जाते हैं, आज जैसे आप यहाँ पे आए हो या फेसबुक पे इकट्ठे हो रहे हो, प्रभु देख रहा है आपके मनों को। हालेलुया,
और अब्बास राम के भाई अरे बाप रे प्रभु मुझे देख रहा था, मैं प्रभु की सेवकाई के लिए जा रहा हूँ, गाड़ी पंचर हो गई, प्रभु मुझे देख रहा है। हालेलुया, बाप रे वो सबको देख रहा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से सबको निहारती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है उसकी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाए, प्रभु अपना हाथ बढ़ाएगा बाइबल में लिखा है, और आपको मदद करेगा। उसकी आंखें सारी पृथ्वी पर फिर रही है, ये मत सोचना कि प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, प्रभु आपको भी देख रहा है, जो निराश है उनको भी प्रभु देख रहा है, जिनका टायर पंचर नहीं हुआ है उनको भी प्रभु देख रहा है, जिनके पास गाड़ी नहीं उनको भी प्रभु देख रहा है। ओ हालेलुया, वो कहता है कि तू जाकर प्रभु की स्तुति कर। पास्टर अब्राहम के पास वो वचन आया, प्रभु की स्तुति कर, प्रभु की स्तुति कर। हालेलुया, चाहे हमको चर्च में जाने ना पड़े पास्टर अब्राहम, इसी तो जो है प्रभु की स्तुति के, प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद कर, सर्वदा प्रभु को चढ़ाया कर। क्या चढ़ाया कर? हालेलुया, नित्य चढ़ाया कर। क्या चढ़ाया कर? अपने होठों का फल जो उसके नाम का अधिकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। कितनी खुशी की बात है। तो आज प्रभु आपको संदेश दे रहा है, नित्य चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? स्तुति, स्तुति भेंट, प्रभु की आराधना। कैसी भी स्थिति में हो आप, कितने भी निराशा में हो, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु की आंखें आप देख रही है। बाइबल में लिखा है यहोवा की आंखें अल्लाह पृथ्वी पर सबको निहार की देखती रहती है कि जिसका मन उसके और निष्कपट है उनकी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाए, उनकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाए। परमेश्वर करे कि आपके और आपका हाथ को बढ़ाए, आपका मन प्रभु करे कि निष्कपट हो और आपकी मदद को करे। हालेलुया, हालेलुया, कितना सुंदर वचन की हालेलुया। स्तुति रूपी बलिदान और जो उनके होठों का फल, जो आपके होठों का फल प्रभु ग्रहण करता है। हालेलुया, पुराने जमाने में क्या ग्रहण कर रहा था? वो बकरे और जो है भेड़ों बकरों का, गाय बैलों का जो है बलिदान लेता था वो। लेकिन अब जो है वो गाय और बलि, गाय बैलों का और जो है भेड़ बकरियों का बलिदान उसे ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद एक बलिदान हो गया है। अभी उसने सारे बलिदानों पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। अभी सारे बलिदानों पर रोक लगा दिया, अब कोई बलिदान नहीं। यीशु मसीह ने एक बार बलिदान चढ़ा के खत्म कर दिया बलिदान का सारा काम। लेकिन आपको जो करना है स्तुति रूपी बलिदान, आपको क्या करना है? प्रभु को दशमांश चढ़ाना है। आप मेरे लिए एक वेदी बना। हालेलुया, कैलवरी चर्च की ये वेदी बन गई है, जीवन नगर में ये वेदी बन गई है। वेदी पर आ, प्रभु कहता है, अपना दशमांश चढ़ा, प्रभु कहता है, अपना दशमांश समय का चढ़ा, प्रभु कहता है। हालेलुया, कितनी खुशी की बात। तीसरी बात, हालेलुया, फिर से नए पुराने नियम में जा रहे हैं और वो नीति लिखा है, दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो दिन के भोज में जाता है। दुखिया, ऐसे लोग हैं जो क्या है, दुखिया मतलब, तो दुखिया मतलब पुरानी छाया। अरे हमें तो बोल सही बात है, हमारी छाया जो है महीनों महीने जो है खटिया भी पड़ी रहती थी, बिस्तर छोड़ती नहीं थी। इसकी मम्मी ने कहा पास्टर मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई है, उसको जिंदगी में कोई रस नहीं है। और वो मैंने कहा कि चर्च में आओगी तो डिप्रेशन चला जाएगा। अरे इतनी अच्छी प्यारी बेटी लगातार चर्च में आई और उसका डिप्रेशन चला गया। महीनों महीने वो खटिया में पड़े रहती थी, उसको लगता था कि जिंदगी में कुछ नहीं। अब तो जय प्रभु ने उसको इतना सुंदर पति दिया है पालराज जी, और एक प्यारा बेटा दिया है, और जो है एक सुंदर सी कार दी है, बहुत अच्छा फ्लैट दिया है। और जो है उसके पति कहते कि तू काम मत कर, मैं काम करूंगा, तू घर के पास देख। कितना प्यारा पति दिया है।
हालेलुया, इतना सारा प्यार अपने पति के द्वारा यीशु के द्वारा उनके ऊपर आ रहा है। ये सब कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। अगर वो खटिया में ही पड़ी रहती और मेरी बात नहीं मानती, चर्च में नहीं आती, तो उसकी जिंदगी बदलती नहीं, वो वैसे ही खटिया में पड़ी रहती। उसको तो वैसे आत्महत्या के विचार आ रहे थे, वैसे ही मरने के विचार आ रहे थे, लेकिन जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। किल गई है कलिया नहीं, यीशु बाहर लाया है। तो छाया के जीवन में यीशु ने बाहर लाया। आज छाया प्रभु के भवन में पाई जाती है। आज कितनी खुशी की बात है, डिप्रेशन से निकाल के एक जीवन के उच्चतम हिमालय से जो ऊंचे जगह पे प्रभु ने उसको खड़ा कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर यीशु है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है। दुनिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। मतलब क्या पता है क्या? मतलब जो दुखी लोग हैं वो तो दुखी रहते हैं हमेशा, उनके ऊपर प्रभु कितनी भी आशीषों की बरसात करे, चाहे उनके बच्चे काम करे, पैसा कमा के लाए, घर में सब कुछ खुश रहे, लेकिन वो अपनी दुख भरी मिजाज या दुख भरी जो स्वभाव बदलते नहीं, मुंह ऐसे टेढ़ा रहता है। क्यों रोते हैं तो बोले मुंह ऐसे ही है। रोते क्यों? तो मुंह जो टेढ़ा है तो बोले रोते क्या, मुंह ऐसा है। तो जगह ऐसे लोग हैं, सुंदर सा मुंह दिया है प्रभु ने, लेकिन हमेशा रोते रहते हैं। सब कुछ आशीष है लेकिन कैसा है? डिप्रेशन नहीं। बहुत सुंदर चीजें दी है, डिप्रेशन नहीं। क्यों? क्योंकि वे दुखिया है, वो डिप्रेशन में गए थे, शैतान ने उनको पकड़ लिया है। जैसे शैतान दुखी है ना, वैसे ये लोग भी दुखी है। शैतान क्यों दुखी है? शैतान इसलिए दुखी है क्योंकि आपका उद्धार हो गया है, आपने बैप्टिज्म ले लिया है और आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं। और शैतान क्यों दुखी है? क्योंकि उसको नरक में जाना है, उसका भविष्य उसे पता है। हम क्यों सुखी हैं? क्योंकि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और बपतिस्म लेके हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, इसलिए हम आनंदित है। इसलिए हम आनंदित है। दुखिया के सब दिन दुख भर रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। जहर क्या कहा जाता है? वह नित्य बड़े भोज में जाता है, बहुत बड़े भोज में जाता है। अरे भी पैसा कहां से आ रहा है तेरे पास? इतने सारी पार्टियां कर रहे हो तुम, कहां से पैसा आ रहा है? कहां से पैसा आ रहा है? एक आध बार पार्टी की थी है, पार्टी ड्यू है, पार्टी ड्यू है, पार्टी ड्यू है बोलते रहते हैं, अंधेरे भी नहीं पार्टी है तो जो है। लेकिन ये तो नित्य भोजन में जाता है, बड़े बड़े भोज में जाता है। कैसे हो रहा है? कल भी हम गए थे विजिटिंग के लिए, इतने सारा खाना नहीं कि दे दिया, बाप रे कनिका बाप बाप रे प्रेस लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो वो नित्य महाभोज में नहीं जाता, वो मानो मानो लिखा है, मतलब घर में वो खाता है क्या? एक सब्जी और रोटी, और क्या खा रहा है? जैसे पनीर खा रहा है, मटर खा रहा है, चिकन बिरयानी खा रहा है। वो नित्य भोजन में, बहुत बड़े भोजन में जा रहा है वो। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। जब मैं खाना बनाता हूँ चौली में भी बड़े सुंदर सब्जी बन गई, मैं जब वो खाना बनाती मैं कहता हूँ सब्जी बड़ी सब्जी अच्छी बन गई, क्योंकि हम एक दूसरे के खाने को बड़े अप्रिशिएट करते हैं। और हमें नमक खाने वाले के लिए बड़ा मुश्किल आता है। तो मानो नित्य भोज में जाता है कौन? जिसका मन प्रसन्न रहता है, जिसका मन प्रसन्न रहता है मानो वो नित्य भोज में जाता है। घर में कैसा भी खाना हो बहुत आनंद से खाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा बना है, ऐसी बात नहीं है।
कभी नमक डालना भी भूल जाती है सिस्टर, लेकिन फिर भी वो मानो नित रोज में इसलिए जाता है क्योंकि उसका मन प्रसन्न है, क्योंकि उसने बाइबल पढ़ी है, क्योंकि उसने प्रार्थना की है, स्तुति भेंट पढ़ी है। कोई कहेगा हालेलुया, हालेलुया, यस। तो मानो को नित्य भोजन में जाना, दुखिया के सब दिन दुख बन रहे, दुखी लोगों के ऊपर, डिप्रेशन में आए हुए लोगों के ऊपर कितनी सारी आशीषें होंगे, कितनी सारी खुशियां दे दो, कितनी सारी जो है बरकतें दे दो, लेकिन उनका मुंह ऐसे टेढ़ा रहता है। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, फिर ऐसे लोग क्यों रहे, मेरा मुंह ऐसा है। अरे भैया तुम्हारा मुंह तो अच्छा है, तुम हंस सकते हो ना, हंसो। प्रभु यीशु मसीह ने हंसने के लिए जिंदगी दी है, प्रसन्न होने के लिए जिंदगी दी है। तो तीसरी बात, पहली बात जो है मेरे लिए वेदी बनाना, नित्य मुंह बलि चढ़ाना, दूसरी बात स्तुति बलिदान चढ़ाना, तीसरी बात मानो नित्य भोजन में जाना। तो आपको नित्य कहाँ जाना है? नित्य पार्टी में जाना है। जब भी खाना वाला आए, लाओ भाई पार्टी, लाओ मेरी आज की मेरी पार्टी लाओ, आज बड़े खुशी के साथ खा लेना, चाहे आज जो है तेल रोटी के ऊपर चाहे घी ना भी लग जाओ, चाहे ऊपर से घी ना भी डाला हो, आज चाहे वो सब्जी कैसे ही बनी हो, मानो नित्य भोज में जाता है। फिर हम जो है देखेंगे नित्य क्या चीज होनी चाहिए, नित्य क्या होना चाहिए, बलिदान चढ़ाना है, नित्य क्या होना चाहिए, स्तुति भेंट चढ़ाने के लिए, नित्य क्या होना चाहिए, मन आनंदित, हाँ मन आनंदित, प्रसन्न मन, नित्य। तो प्रसन्न मन जब होगा तो नित्य भोज में जाओगे आप, कैसा भी खाना हो नित्य भोज आपका होगा, मतलब भोजन भी आपको अच्छा लगेगा। तीसरी बात, चौथी बात, दानियल 6वें अध्याय का 16 वचन, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गढ़े के मुंह पर रख दिया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए, दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए, ऐसे बाइबल में लिखा है। और दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया गया। परमेश्वर के लोगों यहां पे एक बात लिखिए, नित्य दानियल के विरोध में ऐसा पॉलिटिक्स खेला गया, ऐसा पॉलिटिक्स खेला गया कि उसको आखिरी में सिंहों के मांग में डाल दिया गया। आपके विरोध में भी बहुत सारा पॉलिटिक्स खेला जाएगा, आपके विरोध में भी बहुत सारे लोग विरोध में आएंगे, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, वो पॉलिटिक्स को भी बदलने वाला परमेश्वर आज जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों ने दानियल के विरोध में पॉलिटिक्स खेल के इतना बड़ा पॉलिटिक्स खेला कि राजा भी उसकी मदद नहीं कर सका। बाइबल में लिखा है 14 वचन में, राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन वो बदल नहीं पाया। तब दानियल ने कहा, तब राजा ने कहा, दानियल को लाया, सिंहों की मान में डाल दिया और डालते वक्त राजा ने एक बात बोली, दानियल तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तो आप मुझे बताओ, दानियल बचा कि सिंहों के द्वारा फाड़ के खाया गया? हैं? बच गया, शाबाश, ताली बजा प्रभु के लिए। हालेलुया। और क्यों बचा, बच गया वो? अपने परमेश्वर की नित्य उपासना करता था। तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है
तेरा परमेश्वर जिसके लिए तू नित्य कलवरी चर्च में जाता है जीवन नगर में, तेरा परमेश्वर जिसके लिए तू नित्य स्तुति में चढ़ाता चाहता, तेरा परमेश्वर जिसको तू नित्य श्रवान देता है अपने समय का अपने पैसे का, तेरा परमेश्वर जिसको तुमने अपने आलोलिया पैरों को प्रभु को दिया है, वही परमेश्वर तुझे बचाएगा, वही परमेश्वर तुझे चलाएगा। इतनी सुंदर बात। तो इसलिए चौथी बात हमने देखी, नित्य उपासना करना, प्रभु की उपासना में कमी होने ना देना, प्रभु की उपासना लगातार करना। सुलेमान सबसे अमीर बना क्यों? क्योंकि उपासना करने वाला था। दाऊद राजा बन गया क्यों? क्योंकि उपासना करने वाला था। दानियल इसको बचाया गया क्यों? क्योंकि वह नित्य उपासना करने वाला था। आज कैलवरी चर्च के लोग नित्य उपासना करने वाले लोग, और परमेश्वर उनको सिंहों की मांग क्या महामारी से भी बचाएगा, बीमारी से भी बचाएगा, शैतान के हमले से भी बचाएगा। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो कह रहे हालेलुया, मेरा परमेश्वर हे राजा तेरे हाथ से भी छुटाने की शक्ति रखता है, लेकिन हम तेरे मूर्ति के सामने नहीं दंडवत करेंगे। ये राजा की उपासना नित्य करता था दानियल, और उसको बचाया गया। फिर राजा ने देखा और ये तो दानियल बच गया, दानियल को निकाला गया, और जिन्होंने दानियल की चुगली खाई थी उनको सिंहों की मान में डाल दिया गया। बाइबल में लिखा है कि जैसे डाला वैसे ही फाड़ के खाया, उनकी हड्डियां पेंदी तक भी पहुंचने न पाई, सबको फाड़ फाड़ के खाया उन सिंहों ने, क्योंकि वो बड़े भूखे सिंह थे। लेकिन दानियल के समय में परमेश्वर ने दानियल के मुंह को, दानियल के विरोध में जो सिंह थे उनके मुंह को बंद कर दिया था। परमेश्वर करे कि आपके विरोध में जो शत्रु है उन सबके मुंह परमेश्वर बंद करे, और आपको परमेश्वर आशीषित करे। फिर हम देखते कि जो है लगातार प्रभु की क्या करना है, वेदी बनाना है, स्तुति करना है, मानव नित्य भोज में जाना है, और जो है नित्य सेवा करना है। फिर जो है मैं कह रहा हूं अभी एक विरोध रोमियो उसका 9 अध्याय दूसरा वचन, मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। भाई आप कह रहे हैं जगह पे प्रसन्न मन रखो, आप दूसरी जगह कहते हो कि सदा दुख रहता है। तो ये किसके लिए दुख किसके लिए था बताया क्या हुए? आत्मा को बचाने के लिए। वो कहता है कि जो इज़राइल के वंश है वे सब इज़राइली नहीं, छठे वचन में, नवे वचन में, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश संतान के वंश गिने जाते हैं। आप जो है वो प्रतिज्ञा के संतान, मैं जो हूं प्रतिज्ञा के संतान, और जो इज़राइल वंश के है वो सारे इज़राइल वंश के नहीं। हम लोग जो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, हम आत्मिक इज़राइल है। हालेलुया। अब हमको अगर शोक नहीं है हमारे पति के लिए जो नरक में जा रहा है, या अपने रिश्तेदारों के लिए कि जो नरक में जा रहा है, तो बहुत दुख की बात है। हमें रो रो के प्रार्थना करनी है अपने परिवार के लिए कि प्रभु उनका उद्धार कर, प्रभु उनका उद्धार कर। हर रोज दो आंसू बहाओ, दरवाजा बंद करो, हर रोज दो आंसू बहाओ, आंसू के साथ प्रार्थना करो, आंसू के साथ प्रार्थना करो। हमारे से छाया के पति कह रहे थे तुझे तो कुछ बोला नहीं चाहिए, तू तो प्रेम करती है, बाप रे तुझे सुन के बड़ा खुश हुआ है, भला नहीं होगा कुछ मेरी छाया के कुछ नहीं होगा। पति कह रहे तुझे तो कुछ बोला नहीं चाहिए, तू तो प्रेम करती है भाई है, और हाँ हालेलुया ऐसे शब्द कुछ नहीं होगा, प्रोफेसी है तुम्हारी बोल रही है, हालेलुया। लेकिन आज हमें शोक करना है वो किनके लिए भी हो जिनका उद्धार हुआ नहीं है, जिनके लिए रो रो के प्रार्थना करनी है, जो अभी भी
शैतान के बंधन में रह रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। छठवीं बात, बाइबल में लिखा है कि नित्य अगुवाई, यशाया 58:11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। 14, तू यहोवा के कारण सुखी होगा, यहोवा के कारण तू, ये नहीं कि मेरे हाथ में ये रेखा लिखी है, मेरे माथे पे ये जो है रेखा है, या मेरा जो है लक बहुत अच्छा है, या वो सब लोग लक कहते हैं, वो सब लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है तू यहोवा के कारण सुखी होगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे नित्य लिए चलेगा। परमेश्वर की अगुवाई परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर की अगुवाई में आपको परमेश्वर लिए जाना चाहता है। तो कितना सुंदर बात, हमने 6 बात देखी, 7वीं बात देखेंगे, हालेलुया। और दूसरा शमूएल 9:13, और मपिशोपे यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। प्रभु का अनुग्रह ऐसा आया कि नित्य भोजन कहां से किया उसने, राजा के नित्य, राजा की मेज पर नित्य भोजन, वाह, राजा के मेज पर नित्य भोजन। कभी कभी आपके टेबल पे मुझे खाने का मौका मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, जो सेवा आप लोग करते हैं प्रभु आपको बहुत आशीषित कर। लेकिन मैं भी जो मपी बोरिश शेख यरूशलेम में रहता था और राजा की मेज पर नित्य भोजन क्या करता था, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का अनुग्रह इसके ऊपर था। प्रभु परमेश्वर अल्लाह, जब हम प्रभु के अनुग्रह में रहते हैं तो प्रभु आपको नित्य भोजन देगा। इस सारे महामारी के दिनों में परमेश्वर ने हमको ऐसा कभी दिन नहीं दिया, ऐसा कभी दिन नहीं दिया कि हम भूखे सोए हो। हाँ भाई, उपवास के साथ भूखे सोए होंगे, लेकिन खाना नहीं है इसलिए हम कभी भूखे नहीं सोए। अरे प्रभु, बाइबल नहीं लाई और नोटबुक नहीं लाई और आपने, तो 7 बातें मैं बताता हूँ। पहली बात, जय प्रभु परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए एक वेदी बना, नित्य तुझे बलिदान चढ़ाना है। दूसरी बात, अपने होठों की स्तुति बलिदान तुझे नित्य चढ़ाना है। तीसरी बात, मानो तू नित्य भोज में जा रहा है, पार्टी में, हर रोज पार्टी जाना है। हालेलुया, जो लोग जाते हैं ना रात को 1 बजे पार्टी के जाते हो, रात 4 बजे धूप हो गई, खराब। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, हमारी पार्टी तो क्या बात है, जो प्याला जो हम पीते हैं वो पवित्र आत्मा का प्याला है, वो शराब का प्याला लोग पीते हैं, पी के गटार में गिर जाते हैं। हम तो पीते हैं, हम गिरते भी नहीं। हमारी पार्टी तो प्रभु के वचनों पर होती है और अच्छे भोजन पे होती है। मानो वो देख के भोज में जाता है, घर में बैठे बैठे देख भोजन करता है वो बंदा, हालेलुया, क्योंकि उसका उसकी पत्नी सुंदर खाना बनाती है, ऐसा नहीं है, उसका मन प्रसन्न रहता है। जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। तीसरी बात, जिस परमेश्वर की तू नित्य सेवा करता आया है वही परमेश्वर तुझे इन सिंहों की मांदों से बचाएगा। बलबुरी चर्च के लोगों, जिस परमेश्वर की आप सेवा करते आए हैं वही परमेश्वर आपको आपकी परेशानी से बचाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो कोई फोटो नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है वही नित्य सेवा करता है, वही तुझे बचाएगा। हाल में 4वीं बात हमने देखी, फिर नित्य शोक आत्माओं को जीतने के लिए, ये थी हमारी 5वीं बात। 6वीं बात, प्रभु यहोवा तुझे नित्य लगातार लिए चलेगा, प्रभु की अगुवाई आपके जीवन में रहेगी। 7वीं बात, वह राजा के मेज से खाना खाता रहा,
परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ तो परमेश्वर हालेलुया प्रभु भोज लगातार आपको खिलाएगा, प्रभु भोज देता है वो, हालेलुया। शत्रुओं के सामने उसने मेरे लिए मेज बिछाया है। प्रभु आपको आशीषित करे, आइए दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु परमेश्वर आज लाइव है और प्रभु जीवन नगर कैलवरी चर्च में भी है, उन सब हमको आशीषित करें। सारे बंधनों को तोड़ दे पिता प्रभु, हर तेरी पवित्र आत्मा की अपनी पास आ गया, सारे शैतानी शक्तियां लज्जित कर डाल, हर एक बंधनों को तोड़ दे पिता, हर एक रुकावटों को दूर कर दे प्रभु, हर पवित्र आत्मा की अपनी पास आ गया, ये सात बातें नित्य उनके जीवन में होने दे प्रभु जी। प्रभु जी हर तेरी महिमा हो प्रभु जी, हो हालेलुया प्रभु परमेश्वर तेरी आशीष उनके जीवन में आए, हालेलुया तेरी आशीष उनके जीवन में आने पाए, उनके जीवन में जो जो परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते, तेरी पवित्र आत्मा की आप उनके ऊपर भरोस कर दे प्रभु, उनकी बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनकी बीमारी यीशु के नाम से श्रापित हो जाए। हे प्रभु जी हमारी बहन पूनम के दोनों बेटियां मरियम और मार्था प्रभु बुखार में पड़े हैं, उनको चंगाई दे प्रभु, इन दोनों बेटियों पर तेरी पवित्र आत्मा उतर आए प्रभु, सारे बंधनों को तोड़ दे, सारी रुकावटें दूर कर दे प्रभु। आज हमें भी प्रभु जी अपने दुख दर्द में लोग प्रभु जीवन नगर में अभी तक प्रार्थना कर रहे प्रभु, अब यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, जैसे आज उनके लिए प्रभु परमेश्वर पिता इस तेल से मस्सा करेंगे प्रभु परमेश्वर पिता, उन्हें दे प्रभु जी उनको चंगाई मिले, उन्हें दे प्रभु तुमको अपने आशीषों से भर दे, और हे प्रभु जी जो जो देख रहे हैं उनके ऊपर भी तेरी पवित्र आत्मा इसी वक्त जोर से उतर आए, जोर से उतर आए, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। जैसे हम शनिवार को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की प्रार्थना में इकट्ठे होंगे, उपवास के साथ हमारी सहायता कर, हमारी रविवार की आराधना सभा में तो आशीष दे, हर एक जन को आशीष दे, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए सहायता कर, अपने मुंह पे प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर लगाने के लिए सहायता, मास्क लगा के रहे पिता प्रभु जी, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहे प्रभु, एक दूसरे को प्रभु पर अली करना हल ना करे प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर दूर से प्रेज़ द लॉर्ड करे, अरे जो सारे सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभु बताए गए वो सब पूरा करे प्रभु, इसलिए सहायता कर, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु, बचाने वाला तू है प्रभु, सारे बंधनों को तोड़, क्या वो रिचर्च के हर एक सदस्य को आशीष दे, हर एक दर्शक जो आज देख रहे तेरी पवित्र आत्मा से उनको भर दे, सारे बंधनों को तोड़ दे, आदर महिमा सम्मान तुझको देता है, और प्रार्थना वो प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता।